चलिए आज हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो चेंजेस होते हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं और कब कब वो चेंजेस मेजर या माइनर हो सकते हैं, या कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जिनमें वो चेंज होंगे या नहीं होंगे, देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के चेंजेस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। चार कैटेगरीज में आएंगी। इलेवेंथ में इस बार आपका जो है दो कैटेगरी दी है सिलेबस में, यानी कि फर्स्ट टू, एक है अल्टीट्यूड के लिए यानी कि हाइट, अर्थ के सरफेस से हाइट में आप ऊपर जाते जाएंगे तब क्या चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं उनको देखना है हमें वेरिएशन। सेकेंड, एट डेप्थ, अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के आप अंदर जा रहे हैं या आप टनल बना रहे हैं, वो भी अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के बनाई जाती है तो टनल को भी आप बोल सकते हैं डेप्थ में हम जा रहे हैं, तब क्या चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं उनको स्टडी करना है। और ये दो तो सिलेबस में है ही, पहले चारों हुआ करते थे, अभी फ़िलहाल सिर्फ दो हैं। और थर्ड, लास्ट ईयर तो ड्यू टू कोरोना पैंडमिक चारों को ही हटा दिया था, अब थर्ड है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का जो शेप है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल नहीं है, सॉरी कम्प्लीटली स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा सा एंड्स के पास जब आप पहुंचेंगे वहां पर थोड़ा सा वो फ्लैटेंड है, चपटी है, वहां से एग टाइप की शेप है, आप ऐसा सोच सकते हैं, कम्प्लीटली स्फेयर नहीं है। कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर लेते हैं कम्प्लीटली स्फेरिकल के टर्म्स में, जैसा कि अभी आपने देखा था पीछे डेंसिटी के लिए जब हमने रिलेशन बनाया था स्मॉल जी का कैपिटल जी के साथ। फोर्थ जो इसमें आएगा वो है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ रोटेट्स एंड रिवॉल्व, तो रोटेशन की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजेस आते हैं। और हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, अर्थ के कनेक्शन में रहते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर लिविंग नॉन लिविंग आर इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड आर नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो काम अर्थ कर रही है वो हम अल्टीमेटली अर्थ के साथ साथ कर रहे होते हैं। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं वन बाय वन वेरिएशंस की स्टडी कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, और फिर उनको हम आगे बढ़ाएंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, बिकॉज फिजिक्स इज साइंस ऑफ कैलकुलेशन, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, फिजिक्स इज साइंस ऑफ कैलकुलेशन। जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे उतने रिजल्ट आपके फाइन होते जाएंगे। देखिए सबसे पहला केस हम ले रहे हैं इसमें, फर्स्ट है, इसके लिए सबसे पहले हम अर्थ बना लेते हैं, ये रही अर्थ, ऐसा ना भी बनाए चलेगा, आपको एक स्फेयर बना लेना है ऐसे, ये स्फेयर है, ये आपको समझ में आएगा कि इस तरह से हम क्यों कर रहे हैं। ये पूरी अर्थ है, गोला है, बॉल है अर्थ, उसका रेडियस है ये रहा, और यहाँ कहीं पर अर्थ के सरफेस से, ये अर्थ का सरफेस, ये भी रेडियस है, यहाँ से h हाइट पर, ये हाइट कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो पहले अर्थ के सरफेस पे था, अब सरफेस से h हाइट अबव है, ये वैल्यू है h और उसके नीचे है रेडियस, यानी कि सेंटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड अर्थ दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, h प्लस re या re प्लस h। ओके, तो अब क्या करना है, हमें रिलेशन बनाना है कि ये जो वेरिएशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, जो भी हम स्टडी करेंगे उसके लिए हम अपना एक कॉमन फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पीछे ड्राइव किया था, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, दैट वॉज दिस वन, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। डेंसिटी वाला भी है, डेंसिटी वाले की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, देखेंगे कहाँ पर डेंसिटी वाले फॉर्मूला से हमने निकालना है और कहाँ पर इस फॉर्मूला को हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला ले रहे हैं, डेंसिटी का हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट दो कंडीशन में हम कंपेयर करेंगे, एक बार इसी ऑब्जेक्ट को हम सोचेंगे कि ये अर्थ सरफेस पे था पहले, तब इसको कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल रहा था, और जब ये हाइट में चला गया अब इसे कितना मिल रहा है, ठीक है, फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा ये दोनों ही केस में, आप सोच सकते हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, अगर ये ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था सरफेस के ऊपर था,
इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, सपोज एम मास है, यहाँ था तब भी उतना ही मास है। तो आप देख रहे हैं दोनों ही केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। दोनों ही केस में अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है, तब भी दोनों के सेंटर के बीच में जो गैप है दैट इज रेडियस, आर ई अर्थ का रेडियस, और जब ये ऑब्जेक्ट एच हाइट में चला गया तब गैप बिटवीन सेंटर चेंज हो गया आर ई प्लस एच। लेकिन दोनों केस में एक बात कॉमन है, क्या कॉमन है? इस केस में भी पूरी अर्थ इस ऑब्जेक्ट को, फुल अर्थ यानी कि अर्थ का पूरा ब्लू मास, जितना भी मास है अर्थ का पूरा खींच रहा है इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, और इस केस में भी पूरी की पूरी अर्थ ही इसे खींच रही है। इसलिए डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट हमें लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट हम तब यूज़ करेंगे जब हम दो या तीन कंडीशंस को कंपेयर कर रहे हैं किसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग या किसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और उसमें एक जैसी चीज़ें ढूंढनी है कौन सी हैं, उसी के अकॉर्डिंग कंपेरिजन होगा। अलग अलग चीज़ों के हिसाब से कंपेरिजन नहीं होता, एक जैसी चीज़ों में ही कंपेरिजन होता है। आपने देखा होगा कि कैलकुलेशन करने में रेशियो लेते हैं, तो रेशियो भी कब होता है? हाइट से रेशियो होता है, इसकी हाइट ज़्यादा है, उसकी हाइट कम है, ये मोटा है वो पतला है, मोटाई हाइट है ना। तो ये एक जैसी चीज़ों में जो कंपैरिजन होता है यानी कि रेशियो लिया जाता है वो एक जैसी सिमिलर चीज़ों में होता है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही केस में अर्थ इस ऑब्जेक्ट को खींच रही है, पूरी अर्थ खींच रही है, इसलिए ये फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। सेकेंड जो इसके बाद आने वाला है डेप्थ, उसमें ये बात आपको और क्लियर होगी कि हम कब किस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो ही कंडीशन लगानी है सिंपली, कुछ नहीं करना आपको। जैसे ही वेरिएशन मिले, हेडिंग आपने पुट किया, डायग्राम बना लिया फटाफट, ओके 15 सेकंड लगेंगे इसमें। उसके बाद एक बार कंडीशन लेनी है एट अर्थ सरफेस की, अर्थ के सरफेस के ऊपर जब ये था ऑब्जेक्ट तब कितना था स्मॉल जी, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास प्री कैलकुलेटेड है, ये रहा अर्थ की सरफेस पे हमने कैलकुलेट कर रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इतनी होती है। जो उस अर्थ है तो अर्थ का मास अर्थ की रेडियस आ जाती है, कैपिटल जी ऐसे ही रहता है, ये इक्वेशन नंबर वन। अब यही ऑब्जेक्ट एच हाइट में चला गया, नाउ एट एच हाइट मान लीजिए कि अभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गया, पता नहीं कितना है, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया या उतना ही है, आगे पता चलेगा। फिलहाल हमने इसे एक नया सिंबल दे दिया जी डैश, कि एच हाइट पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी डैश है। अगर वो जी डैश आगे कैलकुलेशन करने से जी के ही बराबर आ जाता तो हम बोलेंगे कि हाइट में जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है। चेंज होता है तो हम बोलेंगे कि चेंज हो गया। अब वो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है देखना पड़ेगा कि इंक्रीज है डिक्रीज है, कैलकुलेशन की हेल्प से देखते हैं। तो एच हाइट पर जैसे ही आप पहुँचे तो ऑब्जेक्ट गया तो ये वैल्यू आ गई कैपिटल जी, कहीं भी चले जाइए पूरे यूनिवर्स में एक जैसा है, मास अभी भी पूरा अर्थ का मास इसे खींच रहा है नीचे, तो ये एज इट इज रहेगा। लेकिन जो डिस्टेंस है अब दोनों के बीच में वो बढ़ गया है, दोनों के सेंटर के बीच में कितना है एच प्लस आर ई, तो ये आ जाएगा आर ई प्लस एच, और होल स्क्वायर होता है दोनों के डिस्टेंस के बीच में, तो होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। इसी फॉर्मूला को एक बार सरफेस के लिए यूज़ कर रहे हैं अर्थ सरफेस पे, और एक बार हाइट पे जा रहे हैं तो हाइट में, अगले कॉन्सेप्ट में डेप्थ में जाएंगे तो डेप्थ के लिए अप्लाई करेंगे। सब कुछ एक जैसा रहेगा तो इसी फॉर्मूले से काम हो जाएगा, और सब कुछ एक जैसा नहीं रहेगा दोनों कंडीशन में तो हमें कोई और कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। फिलहाल हमारा काम यहाँ पर हो चुका है ख़त्म फिजिक्स का, अब आपको सिंपल मैथ्स का एप्लीकेशन लगाना है इसमें, यानी कि कैलकुलेशंस करनी है। वन या टू में से किसी से भी किसी को भी डिवाइड कर दीजिए, आई एम डूइंग 2/1। जब 2/1 करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएंगे जी डैश बाई जी, और इधर आ जाएगा आपका, ये मैं आपको पूरा लिख के दिखा दे रहा हूँ एक बार, जी एम ई आर ई प्लस एच, और ये वाली वैल्यू में है जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। आप देख सकते हो जी एम ई से जी एम ई कैंसिल हो गया, सबसे नीचे वाला डिनोमिनेटर चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा ऐसे जी डैश, जी को भी मैंने इधर भेज दिया, और ये आ गया आपका आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये छोटी सी मैथमेटिक्स लगाई एक साथ, इसको ऊपर ले गया ये नीचे आ गया, दोनों के पास स्क्वायर है इसलिए कॉमन एक स्क्वायर लगा दिया, ये बात आपने सीखी हुई है। किसी को अगर ये बात नहीं पता तो ये ऐसे आता है,
ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम इज इक्वल टू ए बी टू द पावर एम, है ना। एक्सपोनेंट अगर सारे बराबर होते हैं तो इस तरह लिखा जा सकता है। ओके, अब यहाँ आने के बाद आपको एक रिजल्ट मिल जाता है। इस जी को मैंने ऊपर भेज दिया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया यहाँ। अब सिर्फ इसको देख के आप एक रिजल्ट बना सकते हैं। क्या रिजल्ट बना सकते हैं इसको देख कर? कि देखिए, ध्यान से समझिए, ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डी, अगर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की वैल्यू कम है, ऊपर वाले की वैल्यू नीचे जो वैल्यू लिखी है उससे कम है, तो पूरे फ्रैक्शन की, पूरी भिन्न की जो वैल्यू होती है वो वन से छोटी होती है। वैल्यू इज लेस देन वन, वन से छोटी वैल्यू आएगी। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ को आप वन से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वो और छोटी हो जाती है, या उस वन से छोटी वैल्यू के आप हाई पावर लेके जाओगे, टू पावर, थ्री पावर, फोर, जितनी हाई पावर जाते जाओगे वो वैल्यू और भी कम होती जाएगी। जैसे देखिए, जैसे 0.1, वन से छोटा है, 0.1 वन से छोटा है। अगर इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, 0.01 और छोटा हो गया, क्यूब कर दूंगा इसे, 0.01 और छोटा हो गया, यानी छोटा होता चला जाएगा। अब वन से छोटी वैल्यू यानी कि 0.1 से मैंने किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, सपोज 20 को मल्टीप्लाई किया, 20 एक वैल्यू है, रेफरेंस के लिए 20 ले लिया, वन से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2, एक के बाद डेसिमल 2, यानी कम हो गया। तो वन से छोटी वैल्यू से अगर किसी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल वैल्यू जो है इस वैल्यू से, जिसे आपने वन से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, वो छोटी हो जाएगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यस, आर ई प्लस समथिंग, और ऊपर सिर्फ आर ई, ऊपर एक वैल्यू और नीचे उसी वैल्यू में कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल होती है। इस फ्रैक्शन की वैल्यू जो भी आएगी वो वन से छोटी होगी। उसके बाद ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि स्क्वायर होने के बाद वो और छोटी हो जाएगी, वन से छोटी तो रहेगी और छोटी हो जाएगी। उस वैल्यू से आप इस स्मॉल जी को मल्टीप्लाई करोगे जो कि है 9.8, ठीक। तो यानी कि अब जी डैश की जो वैल्यू आएगी वो 9.8 से ज़्यादा या बराबर नहीं आएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जी डैश की वैल्यू अल्टीट्यूड के हिसाब से कम हो जाती है। जितना ज़्यादा अल्टीट्यूड होगा, एच की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ये डिनोमिनेटर उतना बड़ा होता चला जाएगा। जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता चला जाएगा, फ्रैक्शन की वैल्यू वन से छोटी और छोटी होती जाएगी। ये भी चीज़ देखिए, इस बात को भी ध्यान से समझिए, एक फ्रैक्शन है 1/2, एक है 1/3, एक है 1/4, एक है 1/5, सब में न्यूमरेटर एक जैसा, डिनोमिनेटर में 2 है, फिर थोड़ी और वैल्यू बढ़ गई, फिर और वैल्यू बढ़ गई, फिर और वैल्यू बढ़ती चली गई। 1/2 इज 0.5, वन से छोटा, 2 से बड़ी वैल्यू, न्यूमरेटर थोड़ा और बढ़ा, यानी कि हाइट थोड़ी सी और बढ़ाई, थोड़ी और बढ़ा दी, तो 1/3 की वैल्यू 0. कितनी आती है, 3 3 9, 0.3, 0.5 से 0.3 और कम हो गया, 1/4, 0.25 और कम हो गया, 1/5, 0.20 ओनली। दो दो डेसिमल पे अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.50, 0.30, 0.25, 0.20, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो उस हिसाब से जी डैश की वैल्यू हो जा रही है कम। तो बस यहीं पे जाने के बाद आपको पता चल गया, इस रिजल्ट में आने के बाद, ये सब कुछ नहीं बताना आपको, न्यूमरेटर बड़ा है छोटा है ये है वो है, ये हिसाब आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको ये वैल्यू बतानी है। हार्डली 3 मिनट में डायग्राम बना के आप रिजल्ट निकाल देंगे, कड़ी में देख कर करके देखिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 3 मिनट में आ गया या नहीं, यहाँ तक पहुँच जाएंगे 3 मिनट के बाद, और उसके बाद आप सीधे लिख देंगे, therefore जी डैश डिक्रीजेस जी, यानी कि सरफेस के ऊपर जितनी वैल्यू जी की थी उस ऑब्जेक्ट के लिए, जितनी हाइट पे वो गया उसकी वैल्यू कम हो गई है कंपेरेटिवली। अब अगर जी डैश की वैल्यू कम हो गई तो वेट भी कम हो गया होगा, यस, आंसर इज यस।
तो एक नोट बनाएंगे इसमें, उसके लिए क्या होगा, वेट, वेट कितना होता है, वेट एक फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, डब्ल्यू भी बोलते हैं इसे, एम जी कहते हैं। एम जी किस लिए है, सरफेस के लिए, और जहाँ जी डैश हमने निकाला है हाइट पे, तो कितना हो जाएगा, मास से मल्टीप्लाई करने से फोर्स बनता है, ये बात जानते हैं ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास से एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करो, अगर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे मल्टीप्लाई करो, वहाँ का वेट आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, ठीक है। और जिस किसी और जगह पर है, वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है जी डैश, वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई करो, वहाँ का वेट आ जाएगा डब्ल्यू डैश, है ना। तो ये वेट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई मास विल गिव यू फोर्स, यानी वेट, जिससे वो चीज़ उसे खींचती है। ओके चलिए, तो यहाँ पर कितना हो गया वेट एट अल्टीट्यूड एच, ये जो रिलेशन आया है इसी में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। एम जी ये एक्चुअल वेट था, एम जी डैश ये अपेरेंट वेट है जो उतनी हाइट पे जाने पे फील होगा, मल्टीप्लाइड बाई आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये वेट के टर्म्स में एक रिलेशन आ गया जो बता रहा है कि वेट भी हमारा कम हो गया, सरफेस पे जो वेट था जितनी हाइट पे हम आते चले गए, हम हल्का और हल्का फील होना शुरू हो जाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से, अगर हम बाहर निकल जाएंगे ग्रेविटेशन के फील्ड से, तो फिर हमें हमारा वेट फील ही नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि स्पेस में अगर चले गए तो एच कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, अगर ये हो गया इन्फिनिटी तो वन बाई आर ई बाई इन्फिनिटी और अपॉन में इन्फिनिटी का मतलब होता है जीरो, सब कुछ हो जाएगा जीरो, जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जीरो, और जीरो का मतलब है कि वेट भी हो जाएगा जीरो और हम हवा में उड़ रहे होंगे वहाँ पर स्पेस में, उसको कहते हैं वेटलेसनेस, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, और एक छोटी सी चीज़, ये तो हमारी स्टडी हो गई, जब न्यूमेरिकल्स हमें मिलेंगे तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला को करना पड़ता है किसी किसी कंडीशन में, वो क्या है सिंप्लीफाइड फॉर्मूला उसे भी देख लीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल मैथ्स लगाना है, सिंस जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई प्लस आर ई, इसे मैंने ऐसे लिखा आर ई प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई, उल्टा कर दिया और पावर को माइनस कर दिया, कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस आर ई को दोनों के अपॉन में कर दिया, जब दोनों के अपॉन में जाएगा तो आर ई अपॉन आर ई वन हो जाएगा, कैंसिल होके प्लस एच अपॉन आर ई, ऊपर पावर है माइनस टू। उसके बाद मैंने इसे ऐसा कर दिया, ये जो पावर यहाँ लगी है माइनस टू, इस माइनस टू को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस माइनस टू एच अपॉन आर ई, ये बना दिया मैंने इसका। आप चाहें तो यहाँ से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये भी इसका फॉर्मूला है। ये कैसे आ गया आप इसको समझिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है बाइनोमियल थ्योरम का। किसका ध्यान रखना है, बाइनोमियल, पहले भी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, बाइनोमियल थ्योरम, घबराना नहीं है इससे, बाइनोमियल थ्योरम से, बाई मतलब दो, दो लोगों की थ्योरम, दो टर्म होंगे, वो ये होती है, यहाँ पर आगे जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो उसके आगे लिख देना, सिंस वन प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, वेयर, या वेयर मत लिखिए इफ लिखिए, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा, इफ एक्स वेरी वेरी लेस देन वन, तब ऐसा होगा। ये दो टर्म है, वन प्लस एक्स, दो टर्म का एक्सपेंशन, जो आपको मैंने पास्कल ट्राइंगल से भी बता रखा है, तो आप देख सकते हो ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट में एक टर्म है वन और दूसरा टर्म है एच बाई आर ई, यहाँ पे कौन सा है एक्स, ये कौन सा है एच बाई आर ई। तो इसको देखिए इसमें क्या है,
इसमें ये जो h बाई आर ई है, h तो हाइट है, जितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट चला गया, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है ये डिनोमिनेटर, यानी बहुत बड़ा डिनोमिनेटर है, विच मीन्स h बाई आर ई की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत छोटी है। कंडीशन क्या है, 1 प्लस एक्स में जो दूसरा टर्म है, सेकेंड टर्म, ये पहला टर्म, 1 इज़ फर्स्ट टर्म, x इज सेकेंड टर्म, यहाँ पर 1 इज़ फर्स्ट टर्म, h बाई आर ई सेकेंड टर्म, तो सेकेंड वाला टर्म जो है वो 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी वेरी लेस देन। जब ये वेरी वेरी लेस देन होगा तो जो पावर ऊपर होती है वही पावर इस सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस, जैसे यहाँ माइनस टू है तो माइनस टू यहाँ मल्टीप्लाई हो गई, प्लस माइनस माइनस टू एच, बाकी टर्म ऐसा ही रहेगा, x अपनी जगह है, n से मल्टीप्लाई हो गया nx, लेकिन कब, जब x इज वेरी वेरी लेस देन वन, और वो यहाँ पर हमने कन्फर्म कर लिया कि हाँ भाई ये सेकेंड टर्म जो है h बाई आर ई जो यहाँ लिखा है ये 1 से बहुत छोटा है, क्योंकि रेडियस बहुत बड़ी है भाई, हाइट कितनी होगी किसी ऑब्जेक्ट की, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400, 500, 1000 किलोमीटर, जबकि रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, है ना, इसलिए ये जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से छोटी होगी। जब ऐसा होगा बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट हमारा बनेगा, और जी डी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 बाई h बाई r e, जी डी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2 h बाई r e। इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें, इससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर हम सीधे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाते किसी भी न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें ये जो ब्रैकेट है कैलकुलेट करना है, उसके बाद स्क्वायर भी करना है, काफ़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी है, नीचे की बड़ी वैल्यू में रेडियस में ऐड करना है कुछ, फिर उससे इसे डिवाइड करना है, कैंसिलेशन होगा या नहीं होगा पता नहीं, वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा कैसी वैल्यूज़ हैं, फिर स्क्वायर करना है, उसके बाद जी से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर क्या है उसी न्यूमेरिकल में पावर हट गई, एक बार कैलकुलेशन करनी है खाली, 2h बाई r e को अलग कैलकुलेट कर लेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया, बस ये इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये था हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन ड्यू टू अल्टीट्यूड। तो आप समझ गए, जितनी हाइट पे हम जाते जाएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम और कम होती चली जाएगी। आगे हम बात करेंगे वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ।